सामने जो खड़ा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन का जो दूसरा सैटरडे रहेगा वो शानदार और काबिले तारीफ रहेगा। और दोस्तों, आज फिल्म का दूसरा सैटरडे है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई क्या बात है, आज दूसरा सैटरडे पूरी तरह से पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हाउसफुल चल रहा है। और कल संडे है भैया, ये तो भी ट्रेलर है, आगे आगे दे भाई। हेटर्स की इस टाइम पूरी तरह से लगी पड़ी है क्योंकि भैया बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। अरे कहां फ्लॉप हो जाएगी, बॉलीवुड का सिंघम है अजय देवगन, ये अजय देवगन है भाई, क्या बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले शुक्रवार यानी कि 1 नवंबर को सिनेमाघरों में दिवाली के खास मौके पर रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन। फिल्म ने सिनेमाघरों में 8 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए, यानी कि फिल्म का दूसरा फ्राइडे भी कंप्लीट हो चुका है और आज फिल्म का सिनेमाघरों में 9वां दिन है यानी कि फिल्म का दूसरा सैटरडे। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कि फिल्म अपने पहले 8 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा और आज फिल्म का 9वां दिन कैसा है, कौन से शहर में फिल्म के पास कितने शोज बढ़े हैं, कितने परसेंट की ऑक्युपेंसी है, कितने शोज खाली है, कितने हाउसफुल है, सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। और आज अपने 9वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म की जो 9 दिनों की टोटल कमाई है वो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म सिंघम अगेन की, तो रिलीज से पहले ही देखो दोस्तों, आप चाहे मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, जब फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, जब फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि यह फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। बिल्कुल भाई, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि भाई अजय देवगन के करियर की ये फिल्म सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है और ठीक वैसा हुआ भी है भाई। अभी तक का जो सफर रहा है सिंघम अगेन का वो शानदार और काबिल तारीफ तो रहा ही है, लेकिन कई बड़े रिकॉर्ड भी टूटे हैं और कई बड़े रिकॉर्ड बने भी हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि सिंघम अगेन एक हिंदी लैंग्वेज की बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था रोहित शेट्टी, अजय देवगन और ज्योति देशपांडे ने। फिल्म में हमें एक बड़े स्टार कास्ट, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारे अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों, साथ ही साथ सलमान खान का अहम कैमियो भी इस फिल्म में हमें देखने को मिला था और फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। लेकिन दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फिल्म का दूसरा सैटरडे और संडे बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और दोस्तों, आज फिल्म का दूसरा सैटरडे है यानी कि फिल्म का 9वां दिन ये शानदार है। मुंबई की अगर हम बात करें तो आज फिल्म ने मॉर्निंग में 19% से ज्यादा की ऑक्युपेंसी दर्ज कर रखी है भाई, क्या बात है। यानी कि आप मान के चलिए फिल्म के पास 785 शोज है और 785 शोज में 350 शोज ऐसे हैं, ये मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूं भाई, आपको पहले ये ध्यान रखना है, सारी बातें ध्यान से सुननी है, मुंबई की बात कर रहा हूं और आज 9वां दिन है, 9वें दिन की बात कर रहा हूं और मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, अभी आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट की ऑक्युपेंसी तो आनी बाकी है भाई। मुंबई के अंदर फिल्म की आज 19% से ज्यादा की ऑक्युपेंसी है, फिल्म के पास 785 शोज है। दिल्ली एनसीआर में फिल्म के पास 10% से ज्यादा की ऑक्युपेंसी है, फिल्म के पास 906 शोज है भाई। पुणे के अंदर 22% से ज्यादा की ऑक्युपेंसी है और भैया यहां पे बात करेंगे अहमदाबाद की, क्योंकि अहमदाबाद वालों ने तो कमाल कर रखा है भाई। अहमदाबाद आज 9वां दिन और भैया यहां पे आज जो मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी है वो लगभग 12% से ज्यादा की है, फिल्म के पास अभी भी अहमदाबाद में 610 शोज है भाई, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि सिंघम अगेन जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी अपने फर्स्ट डे पर, तो फिल्म ने 43 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन पूरे इंडिया से नेट किया था, वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई थी वो 64 करोड़ 22 लाख रुपए की थी। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था सैटरडे को 44 करोड़ 50 लाख रुपए और अपने तीसरे दिन यानी कि संडे को, वीकेंड का जो आखिरी दिन था यानी कि जो दिवाली की छुट्टी थी, हॉलीडे का आखिरी दिन, फिल्म ने कमाए थे 36 करोड़ 80 लाख रुपए और अपने पहले 3 दिनों में फिल्म सिंघम अगेन
125 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी, तो वही फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 188 करोड़ 86 लाख रुपए कर लिए थे। उसके बाद आता है, सारा हॉलीडे खत्म हो चुका था, उसके बाद आता है फिल्म का मंडे। भैया ये वर्किंग डे था, यहां पे कोई भी छुट्टी नहीं थी, ये पूरी तरह से वर्किंग डे था। और फिल्म ने कमाए चौथे दिन 19 करोड़ 20 लाख रुपए, ये शानदार था। पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 16 करोड़ 50 लाख रुपए, छठवें दिन फिल्म ने कमाए थे 14 करोड़ 70 लाख रुपए, और सातवें दिन फिल्म ने कमाई थी 11 करोड़ 20 लाख रुपए। और कल आठवां दिन था, यानी कि फिल्म का दूसरा फ्राइडे, क्या बात है, 11 करोड़ 50 लाख रुपए। आठ दिनों में फिल्म सिंघम अगेन ने 198 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी। वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 236 करोड़ 14 लाख रुपए हो गया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 65 करोड़ रुपए, और कुल मिला के ये फिल्म अपने पहले आठ दिनों में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी। ये भैया हेटर्स के मुंह पे बड़ा तमाचा है, आठ दिनों में 301 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई सिंघम अगेन, ओ भाई कहां हो, आठ दिनों में 301 करोड़ 14 लाख रुपए फिल्म सिंघम अगेन कर चुकी है। और आज फिल्म का नौवां दिन है, पूरी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मैंने आपको दी है। आज फिल्म ने मॉर्निंग में ऑल इंडिया अगर ऑक्यूपेंसी की मैं बात करूं तो 14% की ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की है, और अभी इवनिंग नाइट और आफ्टरनून के शोज बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट दी है, तो आज फिल्म का नौवां दिन है और आज फिल्म अपने नौवें दिन कम से कम 15 करोड़ रुपए कर रही है। और अपने पहले नौ दिनों में फिल्म सिंघम अगेन 213 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर लेगी, तो वही फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई है वो 322 करोड़ रुपए हो जाएगी। और दोस्तों कल फिल्म का संडे है और कल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कैसी लगी ये फिल्म सिंघम अगेन कमेंट में जरूर बताइएगा।